हाय फ्रेंड्स, मैं वरुण गिरी और आपके अपने चैनल टेक्निकल कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्पस ऑफ एरेशन इन एटीपी प्लांट। तो आज के वीडियो एटीपी प्लांट के रिलेटेड है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम एटीपी प्लांट में एरेशन क्यों करते हैं। एरेशन क्या होता है कि जब हम आप देखे होंगे एटीपी प्लांट में कुछ एक टैंक के अंदर इस तरह से एयर का बबलिंग होता है, उस एयर के बबलिंग को हम क्या करते हैं, एरेशन करते हैं। एरेशन मीन्स होता क्या है कि हम पानी के अंदर एयर का सप्लाई करते हैं, जिससे एयर का बबलिंग करते हैं, इस प्रोसेस को हम एरेशन करते हैं। ओके, तो अब जानेंगे कि एरेशन हम एटीपी प्लांट में करते क्यों हैं, इसका पर्पस क्या होता है एरेशन करने का, एयर की बबलिंग करने का पर्पस क्या होता है इसके अंदर। इसका पर्पस ये होता है कि हम बायोडिग्रेडेशन के लिए हम इसको इसमें जो एरोबिक बायोडिग्रेडेशन के लिए हम इसको बबलिंग करते हैं, एयर का बबलिंग करते हैं, जिससे कि जो हमारे अंदर इसके अंदर जो पोल्यूटेंट है वो डिग्रेड हो जाए और स्लज में तैयार हो जाए। तो ये कैसे होता है, एयर से जो बायोडिग्रेडेशन कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आइए देखते हैं कैसे होता है। पानी के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उनको ग्रोथ होने के लिए क्या लगता है, सफिशेंट ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और वो बैक्टीरिया क्या करती है, इसके अंदर पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको खा के उनको ख़त्म करती है। तो अब देख सकते हैं ये पानी के अंदर ये ऑर्गेनिक मैटर है। ओके, तो इनको खाने के इनको खाकर अब हमारी ये बैक्टीरिया होती है उनको खा के ख़त्म कर देती है, स्लज में तैयार करती हैं। तो इनको ग्रोथ के ये बैक्टीरिया इनको ग्रोथ के लिए सफिशेंट ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और वो ऑक्सीजन हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, हम पानी के अंदर बबलिंग एयर का बबलिंग करके मीन्स एरेशन करके हम उनको ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये बैक्टीरिया होती है इनका ग्रोथ होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, और ये बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिक मैटर को खा के इसको स्लज में तैयार कर देती हैं, और जिससे कि हमारा प्राणी क्लीन हो जाता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो स्लज में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको फिल्टर कर देते हैं, तो ये बैक्टीरिया और जो स्लज होता है वो बाहर निकल जाता है, हमारा क्लीन वाटर बाहर आ जाता है। ओके, तो इस तरह से ये काम करता है। अगर हम एयर सप्लाई नहीं करेंगे इसके अंदर तो क्या होगा, इसके अंदर बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा, और जो ये बैक्टीरिया इनको सफिशेंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा सर्वाइव करने के लिए, तो ये क्या करेंगे, ये जितना क्वांटिटी में इनको डिग्रेड होना चाहिए, ये ऑर्गेनिक मैटर को खा के इनको ख़त्म करना चाहिए, उतना फास्ट प्रोसेस नहीं होगा, और जिससे क्या होगा कि हमारा ये वाटर है वो सड़ने लगेगा, उसमें से स्मेल आने लगेगा, गंदा स्मेल आने लगेगा। ओके, तो इस तरह से इसलिए हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियली बाहर से हम इसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं एयर के फॉर्म में, एयर के थ्रू, और जिससे क्या होता है कि इनका ग्रोथ फास्ट होता है और ये जल्दी से इनको बायोडिग्रेड करके हमारे पानी को क्लीन कर देते हैं। ओके, अब आइए जानते हैं अगर हम एरेशन नहीं करेंगे पानी में तो क्या होगा, मीन्स अगर हम एरेशन नहीं करेंगे तो उसके अंदर अंडर सेप्टिक कंडीशन तैयार हो गया। सेप्टिक कंडीशन तैयार मीन्स क्या हो जाता है कि जो हमारे बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका रिएक्शन होगा और वो हाइड्रोजन और सल्फर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर हाइड्रोजन सल्फाइड में बन जाते हैं और उसके अंदर से मीथेन भी निकलता है। पहले क्या होता था कि जब हमारा बायोडिग्रेडेशन होता था, बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को बायोडिग्रेड करके उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट करती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो तो एटमॉस्फेयर में निकल जाता है और पानी पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। ओके, तो ये दोनों हार्मलेस होता है, लेकिन अगर अंडर सेप्टिक कंडीशन में जब हम उसके अंदर एरेशन नहीं करेंगे तो क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू उसमें जो हाइड्रोजन और सल्फर होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो कार्बन होता है वो मीथेन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और जिससे क्या होता है कि हमारा जो पानी होता है उसका पीएच लो हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड एक एसिड है जो क्या होता है एसिडिक इन्वायरमेंट तैयार कर देता है पानी के अंदर, जिससे कि पानी का पीएच लो हो जाता है। ओके, और एक बार पीएच लो हो जाने से क्या होता है कि उसको ट्रीटमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, उस वेस्ट वाटर को जिसके अंदर ये हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मीथेन में कन्वर्ट हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम पानी के अंदर एरेशन करते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया का ग्रोथ हो और वो इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको फ्लॉक्स में कन्वर्ट करें और हमारा जो वाटर है उसका इजीली हम ट्रीटमेंट कर सकें। ओके, तो ये रहा आज का पूरा वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।